Assalamualaikum, welcome back to our channel. कैसे हैं आप सब लोग? Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? We hope कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे. तो आज का वीडियो एक बहुत सीरियस टॉपिक पे है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी चर्चे में है. लाइक ऑलमोस्ट 700 स्टूडेंट्स को कैनेडियन गवर्नमेंट डिपोर्ट करने वाले हैं. तो डिपोर्ट क्यों करने वाले हैं, तो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स की गलती हुई है और कहाँ कहाँ गलती नहीं है. ठीक है, ना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं. ये खबर ऐसा आ रहा है लाइक 700 स्टूडेंट्स को कैनेडियन गवर्नमेंट डिपोर्ट कर रहे हैं. क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं? तो ये स्टूडेंट्स नए नहीं है, ये स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 5 साल इन लोग को हो गया. ये स्टूडेंट 2018 से लेके आए थे, 2018-2019 में आए थे. वो इन लोग का एजेंट था पंजाब में कोई एजेंट है जलंधर में. वो सारे स्टूडेंट्स एक ही एजेंट के हैं, वही एजेंट ने सबको भेजा है. तो यहाँ पे इन लोग सब स्टडी वीज़ा पे आए थे. स्टडी 2 साल का था. 2 साल के बाद इन लोग को वर्क परमिट मिला. वर्क परमिट में इन लोगों ने काम किया 2-3 साल जो भी है. उसके बाद जब इन लोग पीआर लगा रहे हैं, तो पीआर लगाने में बहुत सारा वेरिफिकेशन होता है, बहुत सारा स्क्रूटनी होता है. तो हर चीज़ चेक होता है फ्रॉम A to Z. इनफैक्ट आपका बैक होम कंट्री का भी सब चीज़ चेक होगा, यहाँ का भी चेक होगा. तो यहाँ पे पीआर एप्लीकेशन के दौरान इन लोगों को पता चला कैनेडियन गवर्नमेंट को कि इन लोग के पास जो ऑफ़र लेटर था, पहला ऑफ़र लेटर जो लेके यहाँ पे इन लोग आए थे कैनेडा में, तो वो फेक था. तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये 5 साल में बहुत सारे दफ़ा ऐसा हुआ है. लाइक सबसे पहले इंडिया में वीज़ा ऑफिसर जो होता है, लाइक इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है, उन लोग पूरा चेक करते हैं. उन लोग वहाँ से वो पास हो गए. अब फिर कनाडा आए, कनाडा में इमिग्रेशन ऑफिसर के पास सारे डिटेल्स होता है, वहाँ से उन लोग क्लियर हो गए. फिर यहाँ पे आके स्टडी किया. स्टडी के बाद 2 साल के बाद जब वर्क परमिट मिला, वर्क परमिट भी इन लोग को मिल गया. अब जाके पता चल रहा है. तो अब बताओ कि ये स्टूडेंट की क्या गलती है? 5 साल बाद आप बता रहे हो कि आपका जो पहला ऑफर लेटर था वो फेक था. अब तो उन लोग को तो पता ही नहीं, उन लोग तो बेचारे स्टूडेंट हैं, उन लोग को क्या पता कि ये फेक है या क्या है. अगर फेक होता तो पहले ही स्टेप में आप लोग पकड़ लेते, राइट? इस साल इन लोगों ने गुजार लिया, सब चीज़ इन लोग क्रॉस कर लिया. अब पीआर का जब पारी आया तो उन लोगों को पता चल रहा है कि अरे हमारा तो पीआर एप्लीकेशन जो ऑफर लेटर था वो फेक था. तो हुआ क्या था, यहाँ पे जो एजेंट थे उन लोग वो स्टूडेंट को ऑफ़र लेटर दे दिए कॉलेज का. और ये कॉलेज बहुत ही नामी कॉलेज है, यहाँ पे हमर कॉलेज के नाम से फेमस है, ये टोरंटो में है. तो उस कॉलेज का ऑफ़र लेटर उन लोग को मिला था, मोस्ट ऑफ देम को. तो एजेंट ने सब कुछ कर दिया, वो यहाँ पे लैंड हो गए. उसके बाद एजेंट ने 7 स्टूडेंट्स को कॉल किया, एक एक ऑब्वियसली से 700 स्टूडेंट एक बार में नहीं आए थे. तो जैसे जैसे स्टूडेंट के बैच आए तो उन लोग को कॉल करके बता रहे हैं कि आपका जो कॉलेज में एडमिशन हुआ था वो कॉलेज के साथ हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया हमारा, तो इस वजह से वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा. तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप कोर्स चेंज कर लीजिए, कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए. तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, लाइक आप अगर कोई कोर्स लेके आ रहे हो, अगर आपको वो कोर्स नहीं करना तो आप कोर्स चेंज कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पर भी स्टडी कर सकते हो. तो उन लोगों ने क्या किया, वो स्टूडेंट ने अपना अपना कोर्स चेंज कर लिया, कॉलेज चेंज कर लिया. तो सब चीज़ प्रॉपर हो गया. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्टडी ख़त्म हो गया, वर्क परमिट उन्होंने अप्लाई किया, वर्क परमिट मिल गया. अब जब पीआर के एप्लीकेशन के बारे में आई तो पीआर में उन लोगों को पता चला कि हमारा जो पहला ऑफर लेटर था जो एजेंट ने हमें दिलवाया था वो फेक था, राइट? अब ये बताइए कि एजेंट इतना पैसा लिया है, सुनने में आ रहा है, न्यूज़ आ रही है, जैसे कि एक एक बंदे से 14-16 लाख रुपए सिर्फ क्या चीज़ का, ये अप्लाई करने का, जिसमें ना कि फ्लाइट टिकट है ना लाइक और टाइम बैलेंस भी अलग है. हाँ, और जो ये जीआईसी होता है, एक अमाउंट होता है जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होता है. लाइक हर स्टूडेंट जो भी आता है उन्हें जीआईसी पहले से लाइक डिपॉजिट करके आना होता है. हाँ, दिखाना होता है, पहले से डिपॉजिट करके आना होता है. कि ये जीआईसी क्या होता है, हर महीने स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा पैसा, वो जीआईसी जो अमाउंट होता है अराउंड $10,000 के करीब होता है. तो ये हर महीने थोड़ा थोड़ा करके ये जो 10,000 से कैनेडियन गवर्नमेंट उन लोग के अकाउंट में डालते हैं, ताकि अगर आपके पास जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओ. तो ये जीआईसी अमाउंट भी काफ़ी लोगों ने, काफ़ी स्टूडेंट जो वहाँ से अप्लाई कर रहे थे वो जाके कैश में दे दिया एजेंट को. तो अब वो कितने स्टूडेंट का तो ये भी है कि वो जीआईसी अमाउंट भी उन लोग को नहीं मिला.
तो ये एजेंट की गलती है, बट यहाँ पे एजेंट को नहीं पकड़ा जा रहा है। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? एजेंट ने चालाकी की कि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन लगाते हो तो वहाँ पे एक आता है कि लाइक आप खुद से लगा रहे हो या आप किसी को ऑथराइज कर रहे हो अपना एप्लीकेशन लगाने के लिए। तो एजेंट ने क्या किया था, अपना नाम कहीं पर भी नहीं दिखाया, लाइक कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं, कुछ भी नहीं, या कोई भी मेल आता है या कुछ भी आता है उसमें लिखा होता है कि आपको मिल रहा है ये, लेकिन ये किसके थ्रू मिल रहा है, राइट? ठीक है, तो वहाँ पे उस एजेंट का कहीं पे भी नाम नहीं था। तो यहाँ पे भी जब ऑफर लेटर आता है स्टूडेंट के लिए, वहाँ पे उसमें भी एजेंट का मेंशन किया जाता है कि ये बंदा इस बंदे के बिहाफ में अप्लाई कर रहा है, तो उसमें कहीं पे भी एजेंट का नाम नहीं था, क्योंकि एजेंट ने हर जगह हर पेपर में स्टूडेंट से खुद साइन करवाया था, अपना नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था। अब काफ़ी स्टूडेंट है कि जो 12th पास करके आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं जो 12th पास किया स्कूल में और यहाँ पे कैनेडा में हायर स्टडीज़ के लिए आए, अब उन लोग को उतना पता नहीं है, एजेंट पे पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया उन लोगों ने, कोई चीज़ चेक नहीं किया, तो बस यहीं पे उन लोग फंस गए। अब ये केस यहाँ पे चल रहा है, अब देखते हैं कि केस का क्या होता है, लेकिन ये बहुत 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 ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। और क्योंकि ये केस ऐसा है कि अगर उन लोग लॉयर भी लेंगे जो लोग यहाँ पे डिपोर्ट करने के लिए, जिनको मतलब ऊपर से आ गया है ऑर्डर आ गया है, बट उन लोग फाइल मतलब यहाँ पे केस भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि यहाँ लॉयर का इतना ज़्यादा फीस है कि जितना अभी तक उन्होंने सेविंग किया होगा उससे ज़्यादा तो उनके लॉयर में चला जाएगा अगर उन लोग केस करेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, तो उन लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते ताकि वो केस कर सके। एक यही रास्ता है कि अगर वो केस कर देंगे तब उनको सारा उनका जो लॉस हुआ है वो वापस मिल सकता है, बट उसके लिए भी कुछ उन लोग को रास्ता नहीं दिख रहा है। देखते हैं क्या होता है अपडेट। ये भी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी, ये स्टार्ट हुआ था एक स्टूडेंट से, जलंधर की स्टूडेंट थी, उससे स्टार्ट होते ये आज 700 स्टूडेंट पे आ गया, तो अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता लॉयर को, राइट? बहुत सारे लोगों ने लोन लिया है, अपनी ज़मीन बेच के आए हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे भी सरवाइव करने के लिए बहुत सारा खर्चा होता है, अब कितना ही सेव किया होगा उन लोगों ने, वही सब पीआर के वेट कर रहे होते हैं कि पीआर मिलेगा ताकि उसके बाद हम मल्टीपल जॉब्स कर पाएँ तो सेविंग ज़्यादा हो, बट अब पीआर मिलने के टाइम ही उन लोग, अब ऐसा इंसिडेंट हो गया है तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए कुछ लोग जो है केस कर रहे हैं, लाइक अपना हक में बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये है कि अब उस पर भी 100% श्योरिटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो एजेंट का तो कुछ पता ही नहीं होगा। हम लोग आप लोगों को जो भी यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आने वाले हैं या फिर वर्क परमिट पे आने वाले हैं, क्या किसी भी वीज़ा पे आने वाले हैं आप, स्पेशली हम वर्क स्टडी वीज़ा पे बोलते हैं, तो सबसे पहले आप कभी भी एजेंट पे या किसी कंसल्टेंसी को ऐसा शो नहीं करिएगा कि आपको बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा आप डिस्परेट हो, हाँ जल्दी जाना है आपको, बहुत कैसे भी करके बस आपका जाना हो जाए, अगर आपने ऐसा दिया तो सामने वाला आपका ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। थोड़ा आपको अपने दिमाग से भी चलना है, थोड़ा देखना है, थोड़ा वेरीफिकेशन आपको भी करना है, लाइक अब अगर सब लोग बोलते हैं कि जेन्युइन है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है, अब आप इस केस में यही देख सकते हैं कि उन्होंने 700 लोगों को भेजा है, तो हर कोई समझेगा कि वो जेन्युइन है, कि सबको लग सकता है कि वो जेन्युइन है। अब देखिए फ्रॉड 5 साल के बाद लोगों को पता चला है कि वो फ्रॉड है, तो हम किसी को नहीं बता सकते कि कौन फ्रॉड है कौन जेन्युइन है, ये चीज़ आप खुद से सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही है कि अब आप ये कर सकते हैं, लाइक कि अगर आपके पास ऑफर लेटर आ रहा है कॉलेज का, तो आप कॉलेज से भी वेरीफाई कर सकते हो कि ऑफर लेटर अटैच करके मेल में मेल आईडी कॉलेज का दिया होता है, आप कॉलेज से पूछ सकते हो कि ये मेरे पास ऑफर लेटर आया है ये जेन्युइन है कि नहीं है, आप लोगों ने इशू किया है कि नहीं है, ठीक है? तो ये सब चीज़ है। और तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट पे आपसे साइन करवा रहा हो तो आप उसे थरली चेक कीजिए, आप उतनी जल्दीबाजी मत कीजिए, अगर आपको जाना ही है कनाडा, आना है स्टडी करने के लिए, किसी भी सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, किसी भी कंट्री में आपको जाना है तो आपको एटलीस्ट 1 साल तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको मान लीजिए 2024 में जाना है तो आपको 2023 से काम अपना शुरू करना पड़ेगा, ताकि हर चीज़ प्रोसेस हो आहिस्ते आहिस्ते करके, हर चीज़ में टाइम लगता है, जल्दी में जाइएगा तो फिर कुछ ना कुछ काम जो है गड़बड़ होगा। और यहाँ पे कनाडा में सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आप ये ऑफर लेटर का ही बात नहीं है, आप यहाँ पे लोग बहुत सारे स्कैम कर रहे होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में उन लोगों को पता नहीं चलता है कि चलो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बट एट द एंड ऑफ द टाइम तो आप पीआर के लिए जब अप्लाई करते हो तो वो आपकी चोरी पकड़ी जाती है फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड चेक होता है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली होता है, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल ही आएगा, तो फिर क्या फ़ायदा, निकल आएगा तो आपका प्रोसेस रुक जाएगा 100%, उन लोग डिपोर्ट कर देंगे, यहाँ की गवर्नमेंट
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हर चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से देखती है। तो आप लोग का भी फ़र्ज है, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो हर चीज़ आप लोग खुद से इंक्वायरी करें, खुद से देखें, क्योंकि किसी और पर ट्रस्ट ना करें। आजकल तो अपने रिलेटिव्स पे भरोसा नहीं है, तो आप एजेंट पे भरोसा तो बिल्कुल मत कीजिए। आप थोड़ा सोचिए, समझिए, उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। अब स्टूडेंट लोगों ने क्या सोचा था कि 5 साल इन लोगों ने गुजार लिया कनाडा में, 5 साल के बाद जाके अब ये देखना, मतलब सुनने को आएगा या देखने को मिलेगा कि लाइक अब हम लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। जब हम लोग को ये न्यूज़ पता चली तो हम लोगों को कितना दुख हुआ यार, कि लाइक हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग ने कितना जद्दोजहद किया या कितना स्ट्रगल किया या कितने दिनों से ये इसमें थे कि आने का आना है, आना है, आना है। अब उन लोग स्टूडेंट लोग तो बेचारे बहुत 5 साल तक यहाँ रहे, 5 साल तक रहे, और फिर उसके बाद काफी स्टूडेंट से मिलते हैं, उन लोग बोलते हैं लाइक हमारे पापा फार्मर है या हमारे पापा कुछ छोटी ऐसी मतलब जॉब करते जो कि बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है, उन लोग लोन लिए हैं, ये करके वो करके जमीन बेच के यहाँ पे आए हैं। तो ये फर्ज बनता है एक दूसरे को चीट, मतलब अब क्या ही बोलूं, तो दुख होता है, दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है कि लाइक अब पैसे के लिए अब पता नहीं एजेंट इंडिया में कहाँ होगा नहीं होगा, वी डोंट नो, बट अल्टीमेटली इन लोगों का लाइफ में एक फुल स्टॉप लग गया अभी के लिए फिलहाल। अब इन लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट कनाडा की गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स जो है वहाँ पे भी बात जा चुकी है, अब इंडिया की तरफ से क्या इनपुट आता है ये अभी तो मतलब चल रहा है काम, अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, बट ये है कि इन लोगों को काफ़ी लोगों को तो ऑलरेडी लेटर जा चुका है डिपोर्ट का कि लाइक अब ख़त्म, अब आप इतने तारीख के अंदर, इतने डेट के अंदर आप यहाँ से एग्जिट हो जाओ। बस हम आप लोग को यही एडवाइस कर सकते हैं कि अगर आप किसी को भी देख रहे हैं तो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करिए कोई भी। आप अगर देखते लगता है कि जेन्युइन है, पता नहीं है जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि फ्रॉड तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है, कभी किसी भी टाइम में जाके हो सकता है। तो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा, खुद से अपने आप को 100% श्योर होना है कि हम यहाँ पे आगे स्टेप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। और रही बात आपको अगर एजुकेशन के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए आना है, तो गवर्नमेंट की साइट पे जो ऑफिशियल साइट है वहाँ जाके भी आप बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। वहाँ बहुत सारा चीज़ें आपको मिल जाएंगी रिलेटेड, स्टडी, वर्क वीज़ा और PR, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप खुद से के वहाँ चेक कीजिए, किसी से मत पूछिए, किसी से एडवाइस मत लीजिए, आप खुद सर्वे कीजिए, जो भी जानना है आप खुद से देखेंगे तो आपके लिए आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको 100% श्योर होगा कि हाँ क्या सही है, क्या सही है क्या गलत है। तो आप खुद से जाके या हर कहीं भी किसी भी कंट्री की ऑफिशियल साइट होती है वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। राइट, आप खुद से भी अप्लाई, स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा लाइक रिसर्च कर रहे हो, आपको आना है, आपके पास उतना बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है देने के लिए एजेंट को, तो आप खुद से भी कर सकते हो। पहली बार में नहीं होगा, दूसरे बार में नहीं होगा, तीसरी बार में तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। राइट, अगर आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे लोग इसे शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को पता चल सके क्या चल रहा है, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।